नीमच जिले के पालरा खेड़ा गांव में मगरमच के आ जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तीन दिन से मगरमच गांव के बीचों बीच छोटे से तालाब में बैठा हुआ है। वन विभाग टीम रेस्क्यू तो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। यहां तक कि रात में मगरमच्छ ग्रामीणों के घर तक पहुंच गया था। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। तीन दिन हो गए, अभी तक मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। गांव वाले भी मगरमच्छ पकड़ने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अब यहां सवाल ये उठ रहा है कि वन विभाग के पास मगरमच्छ पकड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है, जो कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही को उजागर कर रही है। 8 तारीख को रात को सूचना मिली बारड़ाखेड़ा ग्राम में जो है मगर जो है गांव के बीच तालाब में जो है आ गया है। रात्रि को यहां पर स्टाफ को लेकर आए, देखा और रात को लोगों को दरवाजा बंद करके सोने की सलाह दी और सुबह कार्रवाई के लिए कहा, तो सुबह आए तो यहां पर कार्रवाई चालू हुई। पिंजरा वगैरह वन विभाग की तरफ से लगाया गया है और जाल से उसको फंसाने की कोशिश जारी है। समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो है शोरगुल करते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, इस वजह से जो है वो दो बार जाल में आकर के बाहर निकल गया और पिंजरे में आकर के भी दो बार जो है बाहर। सर कितने दिन से मगरमच्छ इस तालाब में है? ये करीब 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। आज दिन पूरा होने के बाद 3 दिन हो जाएगा। तो सर क्या लगता है आज ये मगरमच्छ? हाँ, आज ये जो है पानी तोड़ने लगी है, इंजन वगैरह मोटर लगा है, पानी तोड़ गया और आज ये ऑपरेशन पूरा हो गया।